शिवपाल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अखिलेश ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनेंगे तो होंगे हैरान। अखिलेश के जवाब को सुनकर निरहुआ को हुई होगी टेंशन, क्योंकि अखिलेश ने जवाब ही कुछ ऐसा दिया। शिवपाल अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहां से होगी उनकी दावेदारी। अखिलेश ने परिवारवाद पर अपना पक्ष रखकर तय कर दी जवाबदेही। कई महीनों से अटकलें लगाई जा रही थी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए शिवपाल यादव ने आजमगढ़ के कई दौरे किए, वहां सपा को मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास किया, संगठन के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं को रास्ता दिखाया। इसके आधार पर यह माना जाने लगा शिवपाल आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी दौरान सपा की ओर से 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई, जिसके बाद बीजेपी की ओर से कहा जाने लगा अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को लोकसभा चुनाव में टिकट देने का मन नहीं बनाया है। हालांकि उसी दौरान शिवपाल ने कह दिया सपा में वो इतनी हैसियत रखते हैं, जब चाहे अपने लिए जिसे चाहे टिकट दिला सकते हैं। अब एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया। इस पर अखिलेश ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। अगली सूची में क्या चाचा का नंबर है? अगली सूची में नहीं, अगर आपको कुछ सुझाव हो तो बता दो। चाचा का क्या अगली सूची में नंबर है? अगर आपके पास कोई सुझाव हो और फिर आप ही कहोगे सब परिवार चुनाव लड़ गया, ये पत्रकार भी बड़े कमाल के होते हैं। अगर इनसे कहो अभी पूछ रहे हैं कि टिकट क्यों नहीं दे रहे हो अपने लोगों को, परिवार के लोगों को, और हम टिकट दे रहे तो कहेंगे लो परिवारवादी पार्टी हो गई। नहीं, तीन लोगों को तो दिए अभी चाचा ही की। नहीं तो अभी दो चार और दे देंगे। तो आप लोग क्या उम्मीद करते हो भाई? आप ही दिलवाना चाहते हो, आप ही चलाओगे कि परिवारवाद, तो हम कैसे बचेंगे भाई आपसे? तो चाचा कहाँ से लड़ेंगे? ये आने वाले समय में जैसे जैसे सूचियाँ आएंगी आपको सब जानकारी हो जाएगी कि पार्टी ने क्या फैसला किया। पत्रकारों ने अखिलेश से सवाल किया शिवपाल के आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो अखिलेश ने जवाब दिया आपके पास सुझाव है तो दीजिए। फिर अखिलेश ने कहा अगर चाचा को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया तो आप ही लोग हमारे ऊपर परिवारवाद का लेबल चस्पा कर देंगे। फिर पत्रकारों ने सवाल किया परिवार की 3 सदस्यों को आपने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया, इस पर अखिलेश ने 3-4 और को देंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा अभी और लिस्ट आनी बाकी है जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो साफ है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल के चुनाव लड़ने पर ना तो ना कहा और ना ही हाँ कहा, कहा तो सिर्फ वक्त का इंतजार करने के लिए। आप लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं? आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? बहुत जल्दी और सूची भी आ जाएगी आपके सामने। आजमगढ़ की चर्चा बड़ा जोरों पर है, रायबरेली से सोनिया गांधी ने लड़ने से मना कर दिया है। तो ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला होगा। कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, लेकिन अब नहीं मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में 80-80 सीटें इस बार जीतने वाली है भाजपा। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की सीटें बदलना चाहती है केवल एक के सिवा। 80 की सीटों पर कईयों की टिकट कटने जा रही है और एक जो सीट है वो अपना क्षेत्र बदलना चाहते हैं। तो सोचिए जिन्हें अपने सांसदों की टिकट काटनी हो और टिकट काटने जा रहे हो तो वो क्या जीतेंगे?